क्या आप जानते हैं कि तिब्बत देश के ऊपर से कोई भी प्लेन क्यों नहीं उड़ता? या फिर ये कि ऑपरेशन करते समय डॉक्टर के कपड़ों से लेकर पर्दों तक सब कुछ हरा या नीला ही क्यों होता है? या फिर ये कि हमारी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसमें अगर बीच रास्ते में आपकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपको जेल या सजा हो सकती है? या फिर ये कि गर्मियों में आईफिल टावर की हाइट क्यों बढ़ जाती है? अगर आपको इनमें से किसी भी फैक्ट के बारे में नहीं पता तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलेगी, क्या बात है, परफेक्ट। फैक्ट नंबर 12। जब इंसान इस धरती पर पॉपुलेट होना शुरू हुआ था तब एक टाइम ऐसा था जब धरती पर केवल 2000 इंसान थे। उसके बाद ये 10,000 हो गए, फिर लाख हुए, उसके बाद करोड़, और 2,00,000 साल के बाद इंसानों की आबादी 100 करोड़ हो गई। आज हमारी आबादी 700 करोड़ है। तो आपको क्या लगता है 100 से 700 करोड़ होने में हमें कितना समय लगा होगा? 2,00,000 साल, 10,00,000 साल या 15,00,000 साल? जी नहीं, सिर्फ 200 सालों में हमारी आबादी 7 गुना तक बढ़ गई। सिर्फ 200 सालों में इंसानों ने यह कर दिखाया, और ऐसे ही चलता रहेगा तो 2100 तक आते आते हम 1200 करोड़ हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 11। अब अगर इंसानों की बात आ ही गई है तो इंसानों से जुड़ा आपको एक गजब फैक्ट बताता हूँ। आपके हिसाब से चींटी का वजन कितना होता होगा, और क्या चींटी के वजन को इंसानों के वजन से कंपेयर किया जा सकता है? तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या पूछ रहा है, चींटी का वजन तो इंसानों की तुलना में कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप धरती के सारे इंसानों के वजन को जोड़ लें तो उन सब का वजन धरती पर मौजूद सारी चींटियों के वजन से कम ही होगा। मतलब सारी चींटियां इंसानों से ज्यादा वजन रखती हैं। है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको ये पता है कि तिब्बत के ऊपर से कभी भी कोई प्लेन क्यों नहीं उड़ता? नहीं पता? तो चलिए मैं बताता हूँ। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जिसमें हिमालय की ज्यादातर ऊंची पहाड़ियां आती है। तिब्बत विश्व की सबसे ऊंची जगह है, इस कारण इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसके आसपास हिमालय की माउंट एवरेस्ट, मकाऊ, कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियां मौजूद हैं। इस कारण इनकी ऑन एन एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर है, जबकि जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो अगर आप वहां से प्लेन ले जाने की कोशिश करोगे तो आपके सामने कई सारे ऐसे पहाड़ों की दीवार मिलेगी जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा होगी। इसके साथ ही तिब्बत एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जहाँ वायुमंडल की एक परत दूसरी परत से मिलती है, लेकिन ज्यादातर विमान पहली परत ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी भाग में उड़ते हैं, तो वहां से प्लेन ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। फैक्ट नंबर 9। आपने ये तो किसी से सुन रखा होगा या आपने भी इस चीज का प्रयोग किया होगा कि एग्जाम या इंटरव्यू में जाने से पहले दही शक्कर खिलाया जाता है ताकि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सके या आप उस काम में सफल हो सके। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? शायद आप इसे आज तक अंधविश्वास मानते हो, लेकिन इसके पीछे की साइंस जब आपको पता चलेगी तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। दरअसल दही में कूलिंग की क्षमता होती है, वही शक्कर में ग्लूकोज होता है, तो जब आप इन दोनों को एक साथ खाकर जाते हो तो आपका दिमाग और शरीर तेजी से काम करने लगते हैं, जो उस काम को अच्छे तरीके से करने में आपकी मदद करता है। है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 8। साल 2009 में सबसे पहले इसरो ने यह बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन वो पानी सॉलिड स्टेट या यूं कहे बर्फ के रूप में मौजूद है। इसरो ने अपने चंद्रयान मिशन की मदद से इसे पता लगाया था, और नासा का भी यही कहना है कि मार्स पर भी पानी मौजूद है, लेकिन वो पानी गैसीय अवस्था में है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक हमने जितने भी ग्रह खोजे हैं उनमें धरती ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें पानी तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में मौजूद है। इसीलिए तो हमारी धरती सबसे अलग है। फैक्ट नंबर 7। आजकल सोना यानी गोल्ड बहुत महंगा हो रखा है। सिर्फ 10 ग्राम सोने को खरीदने के लिए आपको 40,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो इसे सुनकर आपको ये लगता होगा कि धरती पर सोना बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी धरती पर इतना ज्यादा सोना मौजूद है कि पृथ्वी की सारी सतह को 1.5 फीट चौड़ी सोने की पट्टी से ढका जा सकता है। फैक्ट नंबर 6। इस साल यानी साल 2020 में फरवरी महीने में 29 दिन होंगे, लेकिन क्यों कभी फरवरी में 29 दिन आते हैं और कभी सिर्फ 28? दरअसल इसका कारण ये है कि धरती को सूर्य का चक्कर काटने में 365.2564 दिन का समय लगता है, तो जो ऊपर वाला 0.25 दिन है वो 4 साल में जुड़कर एक एक्स्ट्रा दिन बना लेता है, जिससे हर 4 साल के बाद 29 फरवरी आती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। मतलब उनका जन्मदिन 4 साल में सिर्फ एक बार आता था। फैक्ट नंबर 5। डॉक्टर हमेशा हरे या नीले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? वैसे इसका कोई सटीक जवाब किसी किताब में तो नहीं लिखा,
लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसका मेन रीजन ये है कि हरा या नीला रंग हमारी आंखों को आरामदायक महसूस करवाता है, मतलब ये हमारी आंखों को ज्यादा चुभता नहीं। तो एक लंबे ऑपरेशन में डॉक्टर बिना तनाव को महसूस किए अपना काम बड़े आराम से कर सकता है, और शायद यही कारण है कि हॉस्पिटल के सारे पर्दे भी हरे या नीले रंग के ही बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको ये पता है कि पेरिस का जो आईफिल टावर है उसकी हाइट गर्मियों के दिनों में 5.6 इंच तक बढ़ जाती है। इसका कारण ये है कि लोहे का तापमान बढ़ने से वो फैलने लगता है। हालांकि उसका फैलाव बहुत ही कम होता है, लेकिन वो टावर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर उसके सारे लोहे में थोड़ा थोड़ा फैलाव भी होगा तो पूरे टावर की हाइट 5.6 इंच तक बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको ये पता है कि हमारी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, मेगापिक्सल में तो कैमरे की कैपेसिटी मापी जाती है। लेकिन आखिरकार हमारी आंख भी तो एक कैमरे की तरह ही काम करती है। अगर हमारी आंख को एक कैमरे की कैपेसिटी में समझने की कोशिश करें तो आपको ये जानकर ताजुब होगा कि हमारी आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। फैक्ट नंबर 2, आज $1 की भारतीय रुपयों में कीमत 71 रुपये है, मतलब डॉलर की तुलना में रुपये बहुत ही सस्ता है और ये कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तब ₹1 की कीमत सिर्फ $1 हुआ करती थी, और उसके बाद धीरे धीरे रुपये गिरता जा रहा है। अच्छा, मैंने कई वीडियो में ये देखा है कि वो लोग ये बता रहे हैं कि 1917 में ₹1 $13 के बराबर था, लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल झूठ है। कभी भी ₹1 $13 के बराबर था ही नहीं। फैक्ट नंबर 1, भारत में आप ज्यादा तेज गति से गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि कई बार रोड साथ नहीं देती, और जब कभी रोड अच्छी होती है तो वहाँ स्पीड बैरियर लगा दिए जाते हैं कि आप 40 या 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज नहीं चल सकते। लेकिन जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आपको हाईवे पर गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से चलानी होती है, और अगर आपका पेट्रोल बीच हाईवे में कहीं खत्म हो जाता है तो ट्रैफिक बाधित करने के जुर्म में आपको जुर्माना या सजा भी हो सकती है। तो आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे यूनिक लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।